फौज के रहने वाले राजा जीत सेन, उनकी रानी का नाम आत्म देवी। राजा जीत सेन के यहाँ कोई संतान नहीं थी। रानी को बड़ा अफसोस होता है क्योंकि बगैर औलाद के बगैर पुत्र के गति नहीं होती। रानी अपने राजा को दरबार से बुलवाती है और अपनी चिंता व्यक्त करती है। तो राजा रानी का हुक्म सुनकर महल में जाते हैं और यहीं से ये प्रोग्राम स्टार्ट होता है। हाँ तो महाराज, आप क्या समझाना चाहते थे मुझे, समझाओ औलाद के बारे में। मैं आपको समझाना चाहता हूँ जी, रानी ये दुनिया है क्या है, क्या है, क्या है? अरे सच बता मेरी रानी, आज इतना क्यों मन माड़ा कर रही से, कौन सी चिंता उर आज तेरी जान न खड़ा कर रही से। हटता दूर अंधेरा ना पैदा सोहे न पे जगत में सदा रे घर तेरा ना रे चिंते जी की वेर तेरे मरे पीछे मिनट बसेरा ना रे यो सुक्ष्म जीव चला जागा फिर को तेरा कोई मेरा ना और आत्म देवी तेरा ना तू कै पराड़ा चली
याद रहना पुछता देख उस घर जाके तन मन धन पे भजन करा कर परमेश्वर पे इतना के कह चंद्रलाल रो मत रानी गीत फिकर के गागा के कागड़ कोट किला डाके जुगर का चितवाड़ा करी से कुर्सी चिंता रानी औलाद के बारे में चिंता कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। उधर एक मंत्री आता है, उसको भी बड़ा दुख था कि हमारे महाराज के यहाँ राजकुमार नहीं है। महाराज नमस्कार। नमस्कार। आज ये महल में क्या शोर है? रानी साहब को बेटों का और पुत्रों का फिक्र होता है, क्योंकि औरत चाहे विधवा भी हो सकती है जी, लेकिन बांधना नहीं चाहती। और दुनिया में कहते हैं कि अहिल्या गौतम की औरत थी, है? लेकिन राम ने ठोकर मारी और वो स्वर्ग में चली गई। हाँ। लेकिन बांझ औरत को भी अहिल्या कहते हैं, बंजर धरती को भी अहिल्या कहते हैं। राम जैसो ने धरती ज्योति अन्न पैदा किया, अपने देश को कहीं अमेरिका जैसे बाहर विदेश के लोगों से अन्न नहीं मांगने दिया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि औरत पति से बढ़कर भी अपने पुत्र की इच्छा करती है। मैं कहता हूँ भाई साहब, लेकिन महाराज मैं मानता हूँ कि आपके यहाँ संतान नहीं है। हाँ। दुख हमें भी है, लेकिन ये तो आपकी कमी है महाराज। कमी क्या है? भगवान का नाम लिया करो और मेहनत तक काम करा करो, कदे ना कदे कंट्रोल टूटता जाएगा। ठीक है, एक विधि मैं भी बता देता हूँ। क्या है? ऐसी विधि है कि जिससे बच्चे फटाफट होंगे। सुनो, तेरे सुन जाए थे ना सुन जाए इतना थोड़ा रास्ता छा दूंगा, और सचित आनंद ब्रह्म रूप का सच्चा ज्ञान सिखा दूंगा। तेरे राजी हो के राजा जी में गीत प्रेम के गा दूंगा, तुम दोनों मने गोद ले लो छोरा का नंबर ला दूंगा। ठीक है महाराज। ठीक है महाराज। हाँ, दिल समझे तू राजा पे तू मंत्र झाड़ा कर ही से, अरे कुल की चिंता हुई आज मेरे जान न खड़ा कभी से। औलाद के बगैर क्या चिंता है? सुनिए रानी साहब। हाँ। सदा किसकी तनी रही है, सदा किसकी तनी रही है, सदा किसकी तनी रहेगी, सदा किसकी बनी रही है, सदा किसकी बनी रहेगी। बनी के मुख पर हजारों निसार होते हैं, जब बनकर बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। वर पुत्र बिना
अपने एक मंत्री को बुलवाते हैं, क्योंकि पुत्र यश यज्ञ
करवाने के लिए ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है, तो महाराज मंत्री को बुलवा कहते हैं। भाई साहब मेरे मंत्री। महाराज नमस्कार। नमस्कार, आइए जी। महाराज क्या हुक्म है? हुक्म ये है जी कि रानी को एक पुत्र की इच्छा है जी, तो आप, क्योंकि हमारे यहाँ राजा दशरथ के भी औलाद नहीं थी जी, हाँ, तो श्रृंगी ऋषि से यज्ञ कराई जिनसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा हुए, तो हमारे देश में यज्ञ करते ये सब त्योहार भी यज्ञ के हैं जी महाराज, इसलिए पंडितों का काम है यज्ञ करना, पढ़ना पढ़ाना, ज्ञान देना और लेना, छह कर्मों से ब्राह्मण होते हैं, तो इसलिए आप हमारे पहले किसको बुला कर लाओ। मैं ब्राह्मणों को बुलाने के लिए जा रहा हूँ महाराज। हाँ जी हाँ, तो आप भी नाकारी हैं जी। हाँ, जाकर उनसे पूछो, उन्हें बुलाओ, राजा बुलाया है और रानी याद करती है। चलो ब्राह्मण महाराज के हुक्म को सुनकर अपने ब्राह्मणी से पूछकर दरबार की तैयारी करते हैं। ब्राह्मणी। हाँ पंडित जी। आज महाराज ने हमें दरबार में बुलाया है। आज आपके दरबार की तैयारी है? हाँ हाँ, तो तुम्हारा नौता है पंडित जी, लेकिन आपके बगैर मेरा जी कैसे लग सकता है? तेरा जी? मैं आपको नहीं जाने दूंगी। नहीं नहीं, तेरा जी तो मैं आगे भी लगा दूंगा, बेफिक्र रहे, मैं नहीं जाने दूंगी आपको। हाँ हाँ, वो तेरे बिना जीना। क्या के कह रही है? तेरे बिना जीना लग पिया तू जावे मतीना।
द्रौपदी की सेवा दिन रात करके दूरते न बहु मर्द ते मुलाकात कर कर मुलाकात करके कटिले मन खावे मत ना तेरे बिना जीना लगे पिया जावे मत ना। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज, आपने हमें किस लिए याद किया है? आपका मंत्री हमारे पास पहुंचा और मंत्री ने हमें बताया कि महाराज ने आपको तुरंत याद किया है। तो भाई साहब, यहाँ आप ब्राह्मण को बुला के लाओ जी। लेकिन बात यह है, बिस्मिल की तेरे आरजू बिस्मिल में रह गई, गुल था कि हो के मौत बगल गिर रह गई। महुबे नजारा खींचना, महुबे नजारा खींच कर कैसे रह गया, गुल था कि हो के मौत बगल गिर रह गई। गुलों में नाच टटोला तो गुल बदन न मिला, गुलों में लाख टटोला तो गुल बदन न मिला। चमन में उम्र गुजारी मगर चमन न मिला, वफा की राह में जो भी मिले गनीमत है। कई तो ऐसे गए है जिन्हें कफन न मिला। सबको कफन की, सबको कफन की जरूरत नहीं पड़ती भाई जी। महाराज, कभी निराकार, कभी निराकार ईश्वर की जाहिर सूरत नहीं होती। कहीं भी देखो मस्जिद मंदिरों में ब्रह्मा की मूरत नहीं होती। भले पुरुषों के दिल में दुश्मनी की कदूरत नहीं होती। आलिया अवतारों को कभी कफन की जरूरत नहीं होती। महाराज नमस्कार, आइए देखिए। आपके यहाँ महाराज यज्ञ के द्वारा पुत्र की उत्पत्ति हो चुकी है महाराज, और हमने उसका नाम नवभा रख दिया है। और हमारे लायक कोई सेवा बताइए। सेवा यही है, इसका नाम रख दो। नाम रख दिया महाराज। 12 लगन और 28 नक्षत्र होते हैं। वेद की विधि से इस लड़के का जन्म वृश्चिक लगन में है, नक्षत्र स्थान अनुराधा है, इसलिए वेद की विधि से इसका नाम नवभा रखा जाता है। और क्या क्या लक्षण है? और लक्षण ये हैं, गुणकर्म ये हैं। जब ये लड़का 9 महीने की आयु में हो जाए तो महाराज इसको पराय कर देने की जरूरत है। पराय होने के 2 तरीके हैं।
वो क्या? या तो गुरु को धनुक चढ़ा दिया जाए जी, जैसे दशरथ ने राम लक्ष्मण को वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचा दिया था जी हाँ, इसी तरह से, और या उसकी शादी कर दी जाए। शादी कर देना महाराज, ये पराया हो जाता है। आप इसकी शादी करना। कब तक शादी होगी इसकी महाराज? अगर आप शादी नहीं करोगे तो लड़का जीवित नहीं रह सकता। 9 महीने के बच्चे की शादी कैसे होगी? शादी भी इसकी 3 होगी। 3? जी हाँ। मालूम होता है लड़का बहुत खराब है। जी नहीं, लड़का खराब नहीं महाराज, लड़के की खिंचाई खराब है। चलो कोई बात नहीं, संस्कार है। जी हाँ, संस्कार का मेल जगत में कौन किसी का डटा करे, अच्छे बुरे आदमी का बरते तबेरा पटा करे। जी महाराज। तो भाई साहब ये है, अब उधर मेहरबान हो, नौबहार का जन्म होने के बाद महाराजा जीत सेन को शादी का फिक्र होता है। उधर धर्मपुरी नगरी के राजा धर्मजीत, उनकी लड़की का नाम धर्म देवी था। जब लड़की 16 वर्ष की आयु में हो जाती है तो महाराज धर्मजीत को उसकी शादी की चिंता हो जाती है, और महाराजा धर्मजीत अपने ब्राह्मण को दरबार में बुलवाकर लड़की के रिश्ते के बारे में विचार रखते हैं और कहते हैं, प्रणाम महाराज। प्रणाम जी महाराज जी, आप ऐसा करो कि यहाँ यज्ञ करानी है और लड़के 9 महीने के हो गए। महाराज मैं जा रहा हूँ लड़के को की शादी के लिए, आपकी लड़की शादी के योग हो गई है धर्मदेवी, मैं कोकू नाई को बुला के ला रहा हूँ। ऐसा करो, ब्राह्मण और नाई का जोड़ा होता है, आप नाई को बुला लाओ। मैं जा रहा हूँ, वो तुम्हारे साथ जाएगा, समझे? अरे भाई कोकू, अरे नो बता किसने ठोकू भाई बाहर अलीगढ़ के कोकू। अरे नान की बच्ची। हाँ जी। अरे के कर रही है उल्लू की पट्टी? रोटी बो रही हूँ। अरे बाहर ना जाकर देखियो कौन बोल रहा है। इबे जा रही हूँ। अजी नमस्कार जी। नमस्कार, आप कौन है? अजी मैं तो नाई के घर वाली हूँ। आपका नाई कोकू कहाँ है इस टाइम? वो तो अपने ससुराल जा रहा है जी। ससुराल जा रहा है, अंदर कौन बोल रहा है? ये तो कह दे दिल्ली जा रहा है। दिल्ली? हाँ दिल्ली जा रहा है, शमीम म्यूजिक सेंटर में जा रहा है। शमीम म्यूजिक सेंटर में जा रहा है। लेकिन ये अंदर कौन बोल रहा है? ये तो मेरा बड्डा छोरा है। टुल्लू की पट्टी कह रही है, छोरा बता रही है। हाँ कर दिया काम खराब। चुप करे छोरा, चुप कर, बता रही है। छोरा बता रही है, इतनी मोटी आवाज का छोरा हो जितना जो है। मंत्री जी मेरी बात सुनिए, मैं बीरबा नहीं हूँ मोटे हरने की। हाँ। मेरे छोरे भी से मोटे आवाज में पैदा हो से। अरे के कह रही है उल्लू की पट्टी, तेरा ऐसी मोटी आवाज के छोरे हो से, तेरा फूलना दूध है। हाँ। विटामिन का दूध है। विटामिन का? तो एक काम कर के? दो डोखेस पाओ ना दे, देखे अभी फूल जाएगा। हाँ भाई कोकू महाराज। हाँ भाई। वह तेरे मेरे साथ चलना है, गैल चलना है? मेरा दोस्त नहीं भाई। क्यों ना? ये घर तक बाहर नहीं निकला, थोड़ी सी हवा लग गई तो काम खराब हो जाएगा। ये परेशानी है भाई, तू बूझ, मैं बताऊंगा। मैं बूझ रहा हूँ, सुन ले। अरे कोकू नहीं बोल यार, मैं कद का बाहर खड़ा सू। अरे तेरी नानक छोरी गोरी समय जप में पड़ा सू। दुख खान अरे किस दुख में लाचार बाहर जी करता नहीं आज मेरे तू, किस दुख में लाचार बाहर जी करता नहीं आज में रे मार मार के लात नान में। ओहो
लात पेले भाई नान ओ मान ए मार मार के लात नान ने मैं सारी रात खड़ा हूं तेरी नान का छोरी होरी से मैं चापे में पड़ा हूं सुतक के सुता में अरे आदत हो है होटल लेन की तेरे किसे उत्ता मेरे आदत हो है होटल लेन की तेरे किसे उत्ता में तेरे बाल का के मुत्ता में अरे 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 रात की खुशबू ले अरे रात तो बफारे छोड़ हैं मेरे मटे तेरे बाल का के मुत्ता मैं सारी रात छिपड़ा हूँ दस छोरे पहले मतना बोल ले अच्छा दस छोरे अरे एस्टिमेट लगा दस अच्छा नौ छोरी उन्नीस कितने हुए उन्नीस उन्नीस और बीसवा में अच्छा और इक्कीसवीं नैन अच्छा भाई और रजाई एक और आया गया बटे और मैं मान भी उससे रजाई में रजाई में फिर से हाँ सुन ले तेरा एक रजाई नई नैन पे नो बेटे दस बेटी अरे इतने ज्यादा जटे में कुकर तबियत कर ली इतनी तने इतनी ज्यादा सर्दी में चुकर तबियत कर ली कड़ा बड़ा मैं फिट हुआ जब मैंने कितना जगह नहीं मिली अच्छा गड्ढे में फिट हुआ सुकर रहा था भाई अच्छा कड़ा बड़ा फिट सुन ले एक रजाई नाइन नाइन पे नो बेटे दस बेटी अरे इतने ज्यादा गड्ढे में सुकर सब कर ली अरे सुकरता हुआ कड़ा बड़ा सुकरता हुआ नान के बेटी कोट में बड़ा तू तेरी नान का छोरी छोरी से मैं कपड़े में बड़ा बेखूब आदमी से भाई तो भाई क्या हुआ अरे पेटीकोट में फिट हुआ अरे पागल अरे तू बावला है शुगर समझ रहा भाई शुगर भाई गांव में आ रही थी बरात अच्छा मेरा जुजमान ना गए अच्छा और बिजली गई थी बाहर ट्रांसफार्मर जल रहा था गांव का अच्छा अंधेरा रहा था वो माटी का तेल मिला नहीं घर में अंधेरा था रात में बारी गया घर जब कोई लगता नहीं पा
साकी बनाने का पेटीकोट पड़ा था वो ओढ़ लिया। ओहो। और तूने सोच रहा मैं ओरे कितना फिट हो गया था। सुन ले बस करे स्वाद के चूना खाए धने नायन की तरिया और बच्चों ने खुआ के चूना खाए धने नायन की तरिया। मैं तो पूरा पे धान की तरिया सारी रात खड़ा साल का ढूंढू। अरे छोरा हमारा हिंदू धर्म का शास्त्र का लेख कहता है अगर छोरी 18 वर्ष की हो अच्छा तो छोरा 25 वर्ष का हो और 25 वर्ष का नहीं हो तो 20 वर्ष का तो भाई जरूर हो 20 साल का जरूर हो। हाँ 10-10 के तो ढूंढ लू भाई बावड़ा है दुनका क्या करेगा। अरे एक मरा एक ना कर ले एक मरा एक ना कर ले। अरे ऐसी बात छोड़ और एक बात बता। हाँ एक बात सुन बोल भाई प्रेमी मानस एक काम कर दरबार किसे ढूंढू। अरे जेड़े सासु ननद का दुख ना हो छोरी ने। अच्छा जेड़ा सासु ननद का दुख ना हो जेड़ा बीरबानी का बीज ना हो नू समझ ले। हाँ तो एक काम करूं छोरी ने दिल्ली के थाने में ब्याह दूं। देखो हो रहा है पुलिस लाइन में ब्याह दूं। अरे ओड़ा ना बोले नाई कुकू। अरे बीरबानी का बीज नहीं कोरे सिपाही पड़े हैं। राजा के छोरे चल 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 मैं जा रहा हूं। आज तो किस जा रहा है। आज मैं जा रहा हूं तो हम बेटी का रिश्ता करूं। तू तो जा रहा है सर रिश्ता करने खातर। हाँ। नाच गए इतना तेरा होना चाहिए इतने सारे जो बालक पैदा कर दिए इतने। हाँ? यह गलती मेरी सारी तेरी से। अरे बड़ी मेहनत से बालक कौन सा बावली। हाँ वही हो जाए बालक तेरी गलती है या? तेरी गलती है ना सारी गलती तेरी है। सारी गलती तेरी है। अरे मेरी तो थोड़ी सी गलती है ना सारी गलती तेरी हो रही है। अब ये रागनी हमारे मेहरबानों को परिवार नियोजन के ऊपर हमारे गुरु महाराज ने बनाई है जरा सुनिए। नाई और नान के ज्यादा बच्चे थे वो किस लिए परेशान होते हैं सुनो। लंगार तेरे बार से नाई ओरे नार तेरे प्यार में मेरी आ गई सवाही। तेरे तने लार क्यों लगाई वो क्या बिसा का बाप तेरे धाप ना कसाई। ये आपको प्रोग्राम सुना जा रहा है श्री चंद्रलाल वेदी
भारत के मशहूर देहाती कलाकार नौबहार का सांग आपके सामने सुना रहे हैं हमारे प्रिय भाई शमीम म्यूजिक सेंटर लोनी के सौजन से। ये प्रोग्राम हमारे सरस्वती स्टूडियो में सुना जा रहा है। मैं तो पहले भी थी अपने बापू के घर से जब आई थी। अच्छा। बड़ी मोटी ताजी हो गई थी। नाच गए तेरा कदमा कती सूख गई। बिल्कुल ठीक कह रही है। नाच के फिक्र में छलनी गात हो गया छन के। तू ज्योति पे भी अरे तू ज्योति पे भी मोटी होगी पहलवान बन के। तू ज्योति पे भी मोटी होगी पहलवान बन के। या कच्चे बच्चे जान देना कच्चे बच्चे जान देना किस बन छन के। मनस के बेरा था इतने बच्चे हो जाएंगे बैरन के। मनस के बेरा था इतने बच्चे हो जाएंगे बैरन के। गाना परिवार जन के ओ गाना परिवार जन के नान सुख पाई। तेरे थका दी जापे मैं तने काम की सब दाई। और दाई भी आने वाली छठे महीना काम करा। अच्छा मना करता था वैसे। भाग जा नफरत होगी। भाग जा उल्लू की पट्टी 500 रुपए क्विंटल नाज हो रहा है। चली जा चल जा ले मैं जा रही हूँ तो ले। भाग जा ले मैं तो गई। अरे अरे ठहर अरे ठहर ना मैं रुकती। अरे ठहर जा मेरी माँ। इंतजाम कर ले उल्लू की पट्टी। तू बीरबानी सह गोल हेलीकॉप्टर बस तू देख ले। के और होने आला से उतरते नियोजन के डाक करते। नियोजन के डाक करते इब तो ले दवाई। मेरा दवाई लेने में काम नहीं चलेगा। और इब का बोली में बताऊंगी। मैं नहीं करवाऊ काम ने बोल जल्दी बेकार हो जाऊंगा। नियोजन के डाक करते इब तो ले दवाई। नसबंदी तू भी करवा मेरे बाप के जमाई। मैं जा रहा हूं अब प्रेमियों नाई और ब्राह्मण राजा जीत सेन के दरबार में पहुंच जाते हैं। वहां महाराज से मुलाकात होती है और महाराज जीत सेन क्या कहते हैं। प्रणाम महाराज। हाँ भाई कौन हो कितना हो। महाराज हम नाई और ब्राह्मण हैं। नाई ब्राह्मण हो आप। हाँ कितना हो भाई कहां से आए हो। महाराज हम धर्मपुरी से आ रहे हैं।
आपने किसे रिश्ता करना है? हमने सुना है कि महाराज आपके यहाँ कोई लड़का है। लड़का है? हमें अपनी राजकुमारी के लिए कोई राजकुमार चाहिए, हम रिश्ता करना चाहते हैं। लेकिन लड़का दिखा नहीं सकते हम। अब प्रेमियों, महाराज अजीत सेन से ब्राह्मणों ने जन्म होते ही कह दिया था कि तुम्हें 9 महीने के लड़के की शादी करनी होगी, तो महाराज अजीत सेन छुपाकर अपनी एक शर्त रखते हैं, क्योंकि वो 9 महीने का लड़का दिखाने में मजबूर थे, तो अपनी क्या शर्त कहते हैं? लड़का दिखा नहीं सकते हम। पीछे न मुंह है, हमारे खानदान की मर्यादा है। मेरा सर सुन लो। सुनाओ। मेरे खानदान की रीत है, श्रेष्ठ धर्म अनुष्ठान, चतुर्शाली से पहले लड़की ना देखेगी बर की छाया। ये कह दिए वचन तुम्हारे से, करोटी का लगन नारियल से, फिर लूंगा पट के कटारे से। फेरों के बाद तुम्हारी लड़की छत्रशाली में मिलेगी राज दुलारे से। अगर ये सब शर्त मंजूर हो तो कर लो सने हमारे से। आगे समझे भाई? टीका लगन आयु से होगा, फेरे पटे कटार से होंगे। महाराज छत्रशाली में राजकुमार पहुंच। आपकी शर्त बड़ी कठिन है, लेकिन महाराज हम मजबूर हैं, क्योंकि हमारे महाराजा धर्मजीत का यही हुक्म है कि रिश्ता हमें यहीं पर करना है। ठीक है। अब मेरे प्रेमियों, आप दिन बता दो हमें और जाइए। एक कम के फेरे दोस्त की बढ़ार थी कि नहीं चलाइए भाई। हम आ जाएंगे भाई। ठीक है। उधर रिश्ता पक्का होने के बाद महाराज अजीत सेन अपने बेटे नौबहार को बांध बैठाते हैं। उधर धर्म देवी लड़की को सखियां सहेलियां बांध बैठाती हैं। अब एक आपके सामने बहुत ही ठंडी मीठी रागनी पेश की जा रही है, जो आपने तरस सुनी होगी। फिल्म का नाम दो रास्ते। बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी। तरह ये है रागना, बिल्कुल सिपंड देसी, पेट तो मोटा है। सुनिए छोरी, आज मैं तेरा रिश्ता कराया हूं। मेरा रिश्ता? ठीक है। एक काम करो, डिब्बे बांध बैठा दो। मुझे बांध बैठो। ठीक से सुन ले। ओ एक दिन काया निराणी होगी, घर पे नहीं रखनी चाहिए, जो बेटी बाप के शानी होगी। वे ब्राह्मण के पुत्र नहीं जो बिना पढ़े चंदन लगा ले, उनके वंश का विनाश हो जा जो छोटे से बच्चे को ब्याह ले। ए रंग ए रंग ए रंग उजल वाले, ए बटना मल वाले, ए रंग उजल वाले, ए
दूसरा किस्सा। जिस वक्त नौबहार की शादी एक बहुत 14-15 साल की लड़की से हो जाती है जो बहुत शैनी थी, तो उसके पास छत्रसाली में नौबहार को लेकर राजा जीतसेन पहुंचते हैं। वहां वो लड़की और राजा जीतसेन के क्या भाषण होते हैं, क्या बातें होती हैं। राजकुमार को छत्रसाली में भेजिए। चलिए, मैं लेकर चल रहा हूँ। चलो महाराज, आपको क्या दुख है, क्या अफसोस है? क्योंकि एक नौजवान लड़की के सामने 9 महीने का राजकुमार ले जा रहा हूँ तो बेचारी का बड़ा दिल दुखेगा। कोई नहीं महाराज, किसी का दिल दुखाना भी अच्छी चीज नहीं है। आपने अपने औलाद के लिए किया है, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। जाओ, हिम्मत से लड़की के सामने इस पति को लेकर जाओ। धर्म देवी के महल में गया जीत सेन भोपाल भोपाल, और आते देखे दूर से सती करने लगी सवार। और क्या मतलब है आपका, और मुझे बतलाओ शुभ नाम शुभ नाम। और मेरे पति बिन महल में था क्या आने का काम। मेरे पति जीत सेन मेरा नाम है, हम तेरे पति का बाप ए बाप। बेटी आ गया तेरी शरण में, इज्जत रखोगी मेरी आप।
पर ना और क्या ऐसा अफसोस है जो रोते हुए करो कला मेरी टेक करूं बर सुपरद तेरे हाथ में लिखोट कमी सब दे लड़की लीजिए अपने पति को आप प्रश्न कीजिए। मैंने कहा आपसे कि चाहे अंधा लंगड़ा लुंज हो गुंगा बहरा वर्तार चाहे भी जैसा हो पति हमें उसी पति की नार आप दीजिए मेरा भरतार लीजिए। है मेरी भैया ये बच्चा आप किससे उठा लाए हैं? लड़की आपने ये तो सोचा होता कहा मैं 16 साल की लड़की हूँ और ये 9 महीने का बच्चा, क्या ये 9 महीने का बच्चा मेरा पति हो सकता है? लड़की आपने तो ये कहा था चाहे भी जैसा हो पति। आप सही कहते हैं मैंने वचन दिया है आपको सबसे प्यारे प्राण प्राण बेटी दशरथ ने दोनों तजे पर वचन दिए नहीं कौन सी ऐसी और कौन थी ऐसी हम बताओ। ये तो 9 महीने का है लेकिन भारत की नारी वो हुई है जिन्होंने कैसे कैसे कष्ट उठाकर हाँ और अपने धर्म को निभाया है। हमें बताओ आप शरीर में यो था हे धर्म सुताले पति तेरी तकदीर में यो था तेरी तकदीर में यो हाल सुना होगा और सत्यवान लकड़हारा कंगाल सुना होगा तने कंगाल सुना होगा
और शादी के एक बरस बाद इंतकाल सुना होगा। वो क्यों? सावित्री ने जीवा लिया, यो कमाल सुना होगा, यो भी कमाल सुना होगा। अरे कर मर्द गहरे यमराज तेज उस वीर में जो था, धर्म सुना ले पति तेरी तकदीर में यो था, तेरी तकदीर में यो था। दूसरा प्रमाण किसका मिलता है महाराज? सगड़ वंश में कौन सपूत हुआ? अरे भागीरथ का ओ हाय अरे भागीरथ का जिक्र तेरे सामने आया होगा, और सुख सागर में उल्लेख तने लिखा पाया होगा, तने लिखा पाया होगा। और इज्जत के खातर बालक ने दुख ठाया होगा, और लाभ बिना श्री गंगा जी ने वो क्यों लाया होगा, भागीरथ क्यों लाया होगा। सब सगड़ वंश तिर गया फल गंगा नीर में यो था, धर्म सुता ले पति तेरी तकदीर में यो था, ये तकदीर में यो था। देवी तीसरा प्रमाण भारत की नारी का है जी, वो क्या जो द्रौपदी का चीर नहीं उतरा। क्यों नहीं उतरा? क्यों नहीं उतरा? एक समय वो गंगा जल भर रही थी जी, और वेद व्यास गंगा में स्नान कर रहे थे, नहाते नहाते उनका लंगोट बह गया ऋषि दुर्भाषा, और दुर्भाषा ऋषि ने जी सोचा कि तू नंगा कैसे करेगा। द्रौपदी ने उनका बात समझकर अपने चीर में से पल्ला पाड़ कर गंगा की धार बहाया, नहीं पहुंचा। दूसरी बार फिर बहाया, नहीं पहुंचा। तीसरी बार अपना नंगा सर कर लिया, और दूसरे प्रसार्थ में अपना नंगा सर खड़ी होगी। आज तो हमारे देश में नंगे सर से फैशन हो गया है, लेकिन कभी वो ऐसी बात थी कि किसी गरीब के लिए या दुख के लिए प्रसार्थ करते थे जी। तो द्रौपदी के चीर का लंगोट बांधा, दुर्वासा ने कहा जाओ बेटी आज मेरा नंगा बन रखा है, कभी तेरा भी चीर भी अंत कर दूंगा और चीर निश्रने दूंगा। उन्हीं का आशीर्वाद था महाराज, कृष्ण के चोट लगी थी उंगली में, और जाकर सुभद्रा से कहने लगा कि बहन कत्तर लाओ। सुभद्रा कोई कत्तर नहीं भाजी, लेकिन द्रौपदी से कहा, द्रौपदी ने कीमती साड़ी में से कत्तर पाड़ कर और कृष्ण की उंगली के बांधी। कृष्ण जी ने भी कहा जा बहन आज छोटी सी कत्तर तेने बांधी है, कभी मैं भी तेरी इस कत्तर का बहुत बड़ा बदला दूंगा और अंत चीर कर दूंगा। तो क्या कहा जी महाराज? नीति माड़ी ना, और कुंती के पंडवों की प्रभु ने कभी बड़ी बिगाड़ी ना, ए बड़ी बिगाड़ी ना। और 101 कैरवों ने 101 कसर निकाली ना, है अंत चीर क्यों हुआ, द्रौपदी हुई उघाड़ी ना, द्रौपदी हुई उघाड़ी ना। द्रुपासा कृष्ण के वचन भेद उस चीर ने जो था, है धर्म सुता ले पति तेरी तकदीर में जो था, तेरी तकदीर में जो था।
मंगल चंद गुरु द्वार जावली, गुरु मंगल चंद गुरु द्वार जावली, ग्राम सुना होगा और चंद्रलाल दत्त नगर सांग का काम सुना होगा, सांग का काम सुना होगा। विद्या के तुम तटका जी ठोली में धाम सुना होगा और शंकर को स्वामी कह दादा शंकर नाम सुना होगा, शंकर नाम सुना होगा। अर्थे ब्रह्म ज्ञानी गुण शंकर दास फकीर में यो था, धाम सुतारे पति तेरी तकदीर में यो था, तेरी तकदीर में यो था। अब उधर मेरे प्रेमियों, लड़की धर्मदेवी अपने 9 महीने के पति को लेकर बड़ा दुख मानकर, लेकिन क्या करे वो पतिव्रता थी, 9 महीने के पति को स्वीकार करके रात को घर से निकल जाती है, क्योंकि सोचती है कि तुझे इस दुनिया में कोई जीने नहीं देगा। अब ये सुनिए देसी तर्ज में देसी रागना। हाँ, ओ जब आस बन के टूट जाती है तो ये रूह कैसे खसमसाती है, पूछिए उस बदनसीब दुल्हन से जिसकी आके बारात लौट जाती है। धर्म देवी ने सोच लिया मेरी बन के बात बिगड़गी और पति के तौन ते डर के सती करते भर लिखड़गी। इज्जत भगवान राखिए मेरे सासू सर माँ पापा का दुनिया में मान राखिए, सती सती और धर्म व्रत का नाम निशान राखिए, मन तेरा सहारा लिया प्रभु दस का धन राखिए। चढ़ी हुई बजा तड़े ने पड़गी बाप मेरा से।
पतिवरताने में पतिवरताने में भंग हो गया जो जती ते सती बिछड़ गई और पगड़ी की तोहिन ते करके सती वरते बारल जाता है क्योंकि पतिव्रता ने बहुत कष्ट उठाया, लकड़ी काटकर उसकी सेवा की। जल्दी ही एक ब्राह्मण के आश्रम में ब्राह्मण का सहारा मिला और वो लड़का जवान हो जाता है। तो क्या कहता है, ये देसी रागनी है, हमारे गुरुजी की मशहूर तरज, पुरानी तरज है, सुनिए। ए भगवान, अब तो मेरा पति जवान हो गया है, हाँ सुनिए। पतिदेव, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? आपको मैं छोटा सा लाई थी, 9 महीने का लाई थी, अब तो आप मेरा जिला दीजिए थोड़ा। सुनो, मैं क्या करूंगा, बोलो। ओरे धर्म देवी तेरे करम करे हो गया बिल्कुल जवान हो गया। ओरे धर्म देवी तेरे करम
अब तो फिकर कर मत मैं दुख बांटने होगा होगा धर्म देवी।
अपने पति नौबहार को लेकर चल देती है तो रास्ते में दिन छिप जाता है, तो वहां वो बेचारी नौबहार को लेकर सो जाती है। भगवान का करना ऐसा होता है कि नौबहार को सोते हुए कोई सांप डस जाता है, लड़का नौबहार बेहोशी की दशा में झाग मुंह में नीला शरीर हो जाता है। लड़की उसको मरा समझकर सुबह उठकर देखती है तो पति की यह हालत देखकर वो रोती है। अब ये रागनी सुनिए जो आपके सामने इंद्रजीत वेदी और उमेश कुमार वेदी गा रहे हैं। तरज मत देर करे, अरे मने बिदस मत देरी करे, मैं कद की तेरी तने और दुखिया रे का साग खोस के मिल गया जरी तने, हो दुखिया रे का साग खोस के मिल गया जरी तने।
तरीका है। क्या है भाई साहब? भगवान का नाम लो। ईश्वर ने तुम्हारे कर्म में यही लिखा था, उस दिन की तपस्या और है, इसको दरिया में डाल दो। आशीर्वाद है, हमारा आशीर्वाद है कि एक न एक दिन आपके पति की सुहाग की भीख तुम्हारे खुद पति तुम्हारे झोली में डालेंगे। धन्यवाद भाई साहब। तथास्तु, ये हमारा आशीर्वाद है। और गुरु चंद्रलाल के नाव करा, गुरु चंद्रलाल के नाव करा, पतिव्रता नार का तने अपना भला मना के सुख, तने अपना भला मना के सुख हो सागर बार का, और तने अपनी जीत और रे 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 रे, तने अपनी जीत और मेरी हार का मेहरबानो। पति की लाश का बेड़ा बनाकर दरिया में डाल देती है और धीरे धीरे वो लाश कुछ तो जहर पानी से उतर जाता है और कुछ राजा व्रतवाहन की बेटी कर्नाटक शहर में तपस्या करती थी दरियाओं के किनारे के, जो मेरी समाधि आंख खुलने से जो मेरे सामने आएगा वही मेरा पति होगा। भगवान का ऐसा करना होता है कि वो लाश नौबहार उसके सामने टकरा जाती है, वो उसे मुर्दा समझकर बाहर निकाल लेती है और उसके साथ सती होने के लिए तैयार होती है। बाद में राजवैद्यों के द्वारा इलाज हो जाता है तो नौबहार ठीक हो जाता है। हाँ, और आशा के महल में आशा क्या कहती है? पतिदेव नमस्कार। मनमोहन माली के यहां आशा ले जाती है नौबहार को, तो माली बनकर वो रहता है, क्या कहता है सुनिए। ब्राह्मणों ने कहा था तीन शादी होंगी नौबहार की, पहली धर्मदेवी के साथ हुई 9 महीने के बच्चे की, फिर आशा ने दरियाओ से निकालकर जिंदा किया, मैना से मिलता है तीसरी रानी से। बापू नमस्कार। नमस्कार बापू, खाना खा लीजिए, मैं आपका खाना लाई हूँ। खाना बाद में खाऊंगा, पहले जमाई आला उससे बात कर लूँ। के बापू जमाई? हाँ। ओ बापू, हाँ तू रोटी तो खाई पीछे। हाँ। अरे पहले मैंने बता दे बापू के जमाई किसा होते, छोरी जमाई ने ना देख क्या करते। मैं तो देखूंगी बापू, जमाई गोल मोल हो से, मैं तो देखूंगी। माने नहीं? ना। देखेगी? देखूंगी। जमाई ने? हाँ। एक काम कर के? तू 6 महीने और रुक जा, फिर तेरे जमाई जमाई दिखा दूंगा, तू बेफिक्र रह। ना बापू, मैं तो देखूंगी जमाई। हट पर है, तेरी माँ की बहन में बहन की बच्ची। बापू कोई बात ना, दिखा देखा। हाँ माली। हाँ भाई, कौन सा भाई तू? मैं पक्का माली हूँ। माली से संतरा चकोतरा नौरंगी बोधू रंगदार, हाल चोर खिरनी बोधू लोग काटा बाजे बाहर, धोड़े कड़े सा दूध बोधू जिससे उठ जाए महकार, छोटा और बड़ा नींबू कागजों का महंगा भाव, अमरुद और नाशपाती के हमने रखे पेड़ ला, गात में सजाया कोई लेता इनको खा। ठीक है भाई, तू बढ़िया हमारे से भाई, बाग में रहेगा तू? हाँ। तेरा के नाम से? तेरी छोरिया के नाम से। क्यों तुम मेरा नाम पूछे? तुम छोरिया का नाम क्यों पूछे? बापू माली, मैंने तेरे नौकरी करी है। हाँ। आज तेरे काम से। हाँ। तड़के तेरी मालन के काम से। हाँ। और परसों तेरी छोरी तो काम पर सके है। मेरी छोरी का बात। मेरी छोरी का नाम से भाई पुष्पा मैना। मैना हमें पुष्पा मैना मैना मैना। तेरा क्या कहना, तुम्हारा तो बेकार डर है ना, सुन ले। हाँ। माली तेरी छोरी का से पुष्प मैना नाम, इसी से मिलता जुलता हुआ मेरा नाम से तो तारा। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, माला चाहो तो कीमत नहीं देखी जाती, इस तब तुम पे करूँ जान निचावरी अपनी, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। अरे खाना खाए आचार से तो खटाई नहीं देखी जाती, खाना खाए आचार से तो खटाई नहीं देखी जाती, अरे आस की करे तो फिर पिटाई नहीं देखी जाती। आप ठीक है मारी? आप घर जाइए, आप घर जाइए, बात की रखवाली हम करते हैं। अच्छा। हाँ। मत
किसी से नहना रुक थोड़े से दिन महना मत उमंग मबर उड़ावारी रख काबू में दिल तोते है मैं ना अभी कवारी मत मिला किसी से नहना थोड़े से दिन महना मत उमंग मबर उड़ावारी चलती है दुनियादारी और बच कर रो नहीं होती है नगर से कम नारी कम नारी कम नारी नार को बस में मर्द करे नगर को करे पिटारी मत मिला किसी से कहना मुख थोड़े से दिन माना
नहीं मुश्किल इसकी की चोटी करारी सील सती सहज और मेरी महना ढाकर वाहना चारी है चारी है चारी कोई महना तेरी सती है तो मेरा तो भी ब्रह्मचारी मत मिला किसी से महना थोड़े से बुलना तोताराम बाग तो बाहर हो जा कहिए तू आदमी खतरनाक दिखाई दे रहा है मना कैसे तेरे पिछली करनी का भोगी कदे तू भोग का भोग चला जा कदे कदर शादी कर छोरी का कदे बन का लोग चला जा अरे गुंडे मानस का दुनिया में गुंडा हेर फेर बन जा दोरे रहने सहने ते आपस में मेर तेर बन जा कदे तू काढ़े आंख शेर बन जा हमने बना का डोग चला जा गंधर्व शादी कर छोरी का कदे बन कह लोग चला जा तेरे यू मन जो बन कटड़ा हो से यो मन जो बन झोटा हो से जो डटा करे मोरी ते धरती दौलत औरत ना कदे डटती कमजोरी ते अरे मतलब कांड कदे छोरी ते तोड़ संजोग चला जा कदे कदे शादी कर छोरी का कदे बन के लोग चला जा सब बड़ी के साथ हुआ करे करे बिगड़ी मेटी लीली झर अरे कहा करे दुआ की राजी वे के माने काजी का डर कदे अपने घर में खुशी मारे घर कर के सोग चला जा कदे कंदर शादी कर छोरी का कदे बन के लोग चला जा एक बात और से भाई मोहनी मंत्र हुआ करे गुरु चंद्र लाल गाने में कदे वीर सैन नाना बन माली रह कष्ट ठाने में कदे हम रह जा गूंद जमाने में तू काट के रोग चला जा कदे कंदर शादी कर छोरी का कदे बन के लोग चला जा ऐसा मत करिए भाई जग हां चला जा बाबू अरे तेरे रखवाली मैं यो कर लेंगे तुमने हां तू ये कर के रखवाली कहता है अपनी मैना का बहाना लेकर छुपती कहा मैं तो आपके सामने हूँ मैं तुझे नहीं कह रहा हूँ मेरी उम्र देख कहा मैं अपनी मैना कह रहा हूँ कहते मेरा मन नहीं कह रहा हो नहीं छुप छुप बैठी क्यों चुप बैठी जरा दिल की तो गुंडी खोल मेरी मैना परदेसी चुप बैठो ना चुप बैठो जरा दिल की तो गुंडी खोल तू तो ते बिनु शादी मत बोल
मैं देव पुजारी तेरे लिए नहीं बसाई बागों में दुनियादारी तेरे लिए राजकुमार से मारी मर गया मैं ना प्यारी तेरे लिए और चावे तो हाजिर है जान हमारी तेरे लिए भटक बड़ी हूर फिरे क्यों दूर फिरे आजा 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 मेरे सामने डोल मेरी मैना बढ़ते सीते नौजवान तुम्हारी बनी रहे और मैं हूँ चित चकोर चांद शीशान तुम्हारी बनी रहे मैं हूँ चित चकोर चांद शीशान तुम्हारी बनी रहे है दर्शन की प्यासी मैं नौजवान तुम्हारी बनी रहे है दर्शन की प्यासी मैं नौजवान तुम्हारी बनी रहे और इन बागों में मेहमानी मेहमान तुम्हारी बनी रहे नो बटक के बटक के सिर बटक के बटक के कर जुलम ना हम पर तोल तू तो दे बिन शादी मत बोल खुशी हो गया तेरे बागों में फस के मैना फिर गुण तो ता खुश है तेरे पिंजरे में फस के मैना गजब नैन की घूर चोट मेरे सीने में चस के मैना रूम रूम में जी आ जा तो बात करो हाँ। अरे रूम रूम जी आ जा तो बात करो हंस के मैना नारी पाटो ना नारी पाटे मत मैं ना नाटे मत शादी का कर ले कोल मेरी मैना परदेसी ते बोल कोई शरीक कोई अंधन में मस्त रहे
कोई फिर मांगता भीख। सदा किसकी तली रही है, सदा किसकी तली रहेगी, सदा किसकी बनी रही है, सदा किसकी बनी रहेगी। बनी के मुख पर हजारों निसार होते हैं, जब बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। धर्मदेवी कहाँ है? मैं धर्मदेवी हूँ। नमस्कार पति देव। नमस्कार। क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? पहचाना है, आपने मुझे 9 महीने पाला है। हाँ, लेकिन दूसरा आशा लड़की ने मुझे, मैं आशा हूँ, बेहतर को निकाला है। मैं आशा हूँ, मैंने इनको दरियाओं से निकाल कर जिंदा किया है और ये शादी की है। तीसरा नंबर मैना का है। मैं मैना हूँ, ये मेरे पति है। अब तुम तीनों शुरू करना पड़ेगा। आप बताइए शुरू हम कैसे करें? धर्मदेव भी तू ही बता, तने मेरी गैल का दुख भरा होगा। तू सब जान, 9 महीने का मर सोच का धर्म भरा होगा। नाग लड़ा दरिया में गिरा, किस पे दान धरा होगा। मेरे सावित्री की डाल तेरे जीने का व्रत करा होगा। आशा देवी तुम्हें बता, क्यों इतनी मुझ पर राजी है? और मुर्दा मिला जिया मेरे सत्ते नू, मेरे अंका साजी है। कोई दवा खड़ा कर दे, आशा बिन दवा मुकदमा पाजी है। और जिसने कंडो उतरा योगा खड़ा बाबा जी से। मैं ना तुम भी बता दिए, क्यों दिल पे नारा ना होता। तू फांसी पे तोड़ा जाता, जो मेरा इशारा ना होता। और कौन सी कसर रहे जो तेरा सहारा ना होता। तेरे बिना भरता हमारा सिनेमा का गुजारा ना होता। रंग उठेगा तड़के, टूटेगा हमारी शादी का कंट्रोल। तुम्हें ना परदेसी तेरा।